रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। रूस हर तरफ से यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की पुतिन की सनक का जो भी अंजाम होगा वो बेहद विनाशकारी होगा। इस जंग की आग में अमेरिका समेत नेटो देश और यूरोप के दूसरे देश झुलसने को तैयार खड़े हैं। इस युद्ध को रोकने या खत्म करने के लिए रूस किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हर तरफ की तिकड़म लगा चुके हैं। दोनों देशों को न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर बल्कि हथियार गोला बारूद भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मिसाइलें टैंक रॉकेट लॉन्चर एक तरफ जहां यूक्रेन की जमीन पर कहर बरपा रहे हैं तो दूसरी तरफ ये विध्वंसक हथियार धीरे धीरे कबाड़ हो रहे हैं। कहते हैं जंग कोई भी हो अंजाम बुरा ही होता है। ऐसे में यूक्रेन को अब उम्मीद की किरण सिर्फ भारत से दिखाई दे रही है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार कोई यूक्रेन प्रशासन का बड़ा अधिकारी भारत पहुंचा है। यह है यूक्रेन के प्रथम उप विदेश मंत्री एमीन झाप्रोवा, जो 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आई हैं। रूस यूक्रेन के बीच पिछले साल शुरू हुए युद्ध के बाद यूक्रेन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। माना जा रहा है कि एमीन झाप्रोवा यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए भारत से शांति का आह्वान कर सकती हैं। देखिए, ये मार्च की तस्वीरें हैं जब ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाई थी। तब यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर एमीना झाप्रोवा ने ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था और युद्ध के दौरान देश की मदद करने को सराहा था। यूक्रेन के विदेश मंत्री का भारत दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में रूस को हराने के लिए बनाया गया अमेरिका और नेटो का टॉप सीक्रेट प्लान लीक हो चुका है। इन खुफिया दस्तावेजों में अमेरिका और नेटो की सैन्य तैयारियों का जिक्र है। इसके अलावा दस्तावेजों में यूक्रेन की सेना की ट्रेनिंग और हथियारों का भी जिक्र है। इस सीक्रेट प्लान के लीक होने से यूक्रेन ही नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी होश उड़े हुए हैं। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक मानते हुए पेंटागन को जांच के आदेश दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये टॉप सीक्रेट फाइल की जानकारी 5 हफ्ते पुरानी है, जिनमें 1 मार्च की तारीख पड़ी हुई है। इस साल के शुरुआत में खबर सामने आई थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर ऑपरेशन की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए पुतिन के साइबर हैकर्स ने अमेरिकी परमाणु लैब पर हमला बोला था। कोल्ड रिवर नाम की एक रूसी हैकिंग टीम ने अमेरिका के 3 न्यूक्लियर रिसर्च लैबोरेटरी को निशाना बनाया। हालांकि ये घटना पिछले साल की बताई जा रही है, जिसका खुलासा इस साल जनवरी में हुआ था। एक तरफ जहां रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने पर तुला हुआ है, तो वहीं नेटो देश भी रूस के निशाने पर हैं। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की ओर से यूक्रेन को घातक हथियारों की आपूर्ति को रूस ने सीधे युद्ध की एंट्री माना। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पश्चिमी देश अपनी सुरक्षा और ताकत को बढ़ाने में जुटे हैं, क्योंकि पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि उनके पास अभी युद्ध के लिए बारूद खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, कई ऐसे देश हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देश यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं।